हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हमारा 14 नंबर होगा। इससे पहले हम 1 से लेके कंटिन्यू 13 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी भी हमारा बेसिक ही चल रहा है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक को बेसिक समझ लीजिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से और नॉलेज के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। बाबू, अभी वो जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं ना, वो मेथड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब मेथड स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ उसका तो सोल्यूशन यूँ ही मिल गया। तो स्टूडेंट्स, हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ना, इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए, तो मज़ा आएगा समझने में भी और बताने में भी। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो ये है माही टेक्निकल क्लासेस, अगर एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं तो है माही टेक्निकल क्लासेस। तो न्यू स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप मैथमेटिक्स का कंटिन्यू लेक्चर चाहते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर का हो, तो आप प्ले स्टोर में जाके माही टेक्निकल क्लासेस एडिट करें ना, सॉरी उसको क्या कहते हैं, टाइप करें, तब एक एप्लीकेशन खुलेगा और उस एप्लीकेशन में सरस्वती जी का एक फिगर होगा और उसके नीचे एक नंबर होगा, मोबाइल नंबर, वो होगा कितना, 8862835920। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कोर्सेज परचेज करने के बाद, कोर्स परचेज कर लीजिए, उसके बाद डाउट जितना पूछना है पूछिए, हम आपको फ्री दिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नंबर 14 यानी लेक्चर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, उसमें पहला क्वेश्चन, हाँ, टाइप नंबर 4 भी ना, हम अब टाइप बना दिया हूँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी 3 तक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 में कुल मिला के 10 क्वेश्चन है, 5 इधर और 5 इधर है। तो सबसे पहले हम इस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टूडेंट, पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े ही नहीं और पढ़ने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं। तो sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी नहीं होता है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं होता है, तो इसको कुछ अलग रूप में चेंज करना होगा। मतलब sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर को कुछ कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन करना होता है। क्या क्या करेंगे कन्वर्जन? इस sec स्क्वायर को स्टूडेंट लिख सकते हैं नीचे में लाके cos स्क्वायर, क्योंकि sec का उल्टा होता है cos और cos का उल्टा होता है sec, और यहाँ cosec है, cosec ऊपर जाके बन जाएगा sin, क्योंकि वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, और इधर इसको ऐसे कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो टिक लगाया हूं इसको लिख सकता हूं, sec स्क्वायर को नीचे ले आओ तो नीचे में हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे नीचे में जो cosec है उसको ऊपर लेकर चल जाओ, अपोजिट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट, आपको मालूम होगा साइन बटे कॉस होता है 10, और स्क्वायर हो तो जाएगा 10 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब 10 स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो डायरेक्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो 10 को हम चेंज कर देंगे sec में, और sec स्क्वायर का होता है 10x, इसीलिए यहाँ से हमें हेल्प मिल गया। अरे क्यों ना 10 स्क्वायर को बना दिया जाए sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि फार्मूला होता है ये। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन फार्मूला, अलग अलग डी एक्स लगाने वाला, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। sec स्क्वायर का होता है 10x, तो लिख देंगे यहाँ पे 10x, अब माइनस कॉन्स्टेंट है और x के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन है, तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे x और कॉन्स्टेंट के रूप में पर c। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको नोट करिए, किधर गया पूछने वाला, नोट करिए तब तक। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये तो कुछ और ही मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि 8 पे पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 4 पे पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 पे पावर एक्स। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसको इजी बना देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, समझने के लिए सबसे पहले, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो देखो, डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन हो रहा है, फॉर्मूला पे आ रहा है, तो उसको आप इंटीग्रेट कर दो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको जाके देखो कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा टर्म है जो इसको इंटीग्रेशन करने नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला जो टर्म है 2 पे पावर x,
इस पूरे वाले टर्म को इंटीग्रेशन होने नहीं दे रहा, बोला तुमको डायरेक्ट वर्क करने ही नहीं दूंगा। तो अब हम करते क्या है कि ऊपर में जितना भी टर्म है 8 पे पावर और 4 पे पावर उसको चेंज कर देते हैं 2 पे पावर के रूप में। और जब ये 2 पे पावर के रूप में आ जाएगा स्टूडेंट, तो नीचे भी है 2 पे पावर एक्स, ये डिवाइड होके कट जाएगा ना। तो वही करना है आपको, जो टर्म इसको इंटीग्रेशन करने में डिस्टर्ब करेगा। देखिए फोन आ गया, एक मिनट। हाँ हेलो, बोलिए जल्दी बोलिए। ठीक, उड़ीसा का है, 136 स्टूडेंट है। तो आपसे हाँ सुनिए, वो आप उनको बोले थोड़ा देर में हम बात करते हैं। हाँ वीडियो बना रहे हैं तुरंत। ठीक, तो सॉरी स्टूडेंट्स, एक फ़ोन आ गया था। और फ़ोन क्या था बताएं, उड़ीसा से कॉल आया था। उड़ीसा में भी है ना पॉलिटेक्निक, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मेरा एक चल रहा है, वहाँ से उत्तर प्रदेश का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट से मेरा मर्ज हुआ है जहाँ पे सारे स्टूडेंट परचेज किए हैं। और अभी अभी जस्ट देखिए कॉल आया था उड़ीसा से, जहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के 136 स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स खरीदना चाह रहे हैं, यूपीएससी था सिविल का। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे इस कोचिंग को इस ऊंचाई पे ले गए, और आप लोग के ही प्रयास से प्रचार प्रसार से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, थैंक यू। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन नंबर सेकेंड का, कि 8 पे पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पे पावर 1 माइनस एक्स बटे 2x है, 2 पे पावर x है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए ऊपर में जो देख रहे हैं स्टूडेंट उसको चेंज करना होगा, किस रूप में, 2 पे पावर x के रूप में। और आप लोग इसमें माहिर हो क्या बताऊं, कि 8 पे पावर, अच्छा एक चीज, 8 पे पावर 1 प्लस एक्स है, किसी भी नंबर पे पावर प्लस के रूप में होता है, इसका मतलब वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 8 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 8 पे पावर एक्स, क्योंकि बेस समान हो तो पावर जुट जाता है ना। तो स्टूडेंट्स ये 4 पे पावर 1 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 4 पे पावर माइनस एक्स। और इसको दूसरे अंदाज में इसे भी कुछ बच्चे लिखते हैं 4 पे पावर 1 बटे 4 पे पावर x डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड में पावर घटता है और यहाँ पे पहले घटा के दिया गया है, इसका मतलब है 4 पे पावर 1 बटे 4 पे पावर x हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसी अंदाज में इसको क्यों ना लिखा जाए, इंटीग्रेशन 8 पे पावर 1 प्लस x को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 पे पावर x प्लस, इसको स्टूडेंट लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 पे पावर माइनस x, ऐसा लिखो या ऐसा बात बराबर है बाय 2 पे पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 8 मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पे पावर 3, अगर इस पर x है तो हो जाएगा 3x। तो स्टूडेंट इसको लिखेंगे 2 पे पावर 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, अगर इस पे पावर x है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर 2x, अगर ये माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो इस 4 पे पावर x को लिख सकते हैं 2 पे पावर माइनस 2x, इसको मिटा दो, बाय 2 पे पावर x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स इसको अब अलग अलग डिवाइड करना है, नीचे वाला जो टर्म है स्टूडेंट 2 पे पावर x, इससे हम ये दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3x अपॉन 2 पे पावर x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 पे पावर माइनस 2x बाय 2 पे पावर x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट्स हम अभी जस्ट बताए थे बेस समान हो और डिवाइड में पावर घटता है, बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पे पावर 3x और नीचे है 2 पे पावर x यानी डिवाइड है, तो ये दोनों पावर घट जाएगा, यानी ये जब ऊपर जाएगा तो 3x में से 1x घट जाएगा। तो स्टूडेंट हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2x प्लस, यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 पे पावर माइनस 2x है, और जब ये x ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये 2x बन जाएगा माइनस 3x, यहाँ हो जाएगा माइनस 3x,
इनटू dx। अब स्टूडेंट देखिए नीचे वाला पार्ट खत्म चला गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, एडिशन फार्मूला dx सबके साथ लगा देंगे, इसको लिख सकते हैं 8 बाहर कर देंगे 2 के पावर 2x इनटू dx प्लस 4 बाहर कर देंगे 2 के पावर माइनस 3x इनटू dx। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट तो होने वाला क्या है 8। अच्छा यहाँ पे नहीं दिखेगा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई। एक बात बताइए आप लोग कि a पे पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पे पावर x बटे log a होता है, उसी प्रकार से 2 पे पावर 2x है स्टूडेंट्स, तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2x बाय log 2। कहोगे हो गया, नहीं। अब देखिए यहाँ x का कोफिशियंट 2 है ना, अरे इस x का कोफिशियंट गुणांक x के साथ में क्या मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से यहाँ डिवाइड, ऐसा बताए हैं आपको, आपको मालूम होगा, प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 4 इंटू इंटू 2 पे पावर माइनस 3x 2 पे पावर माइनस 3x बाय log 2 और x का कोफिशियंट है माइनस 3, यहाँ माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए बता रहे हैं जब यहां पर आएंगे ना तो 2 पे पावर 2x को लिखेंगे 2 दूना 4 यानी 4 पे पावर x और इसको लिखेंगे 2 पे पावर माइनस 3 का मतलब है 8 पे पावर माइनस x, तो वहां से भी बन जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी आपका आंसर सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ है नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव है बाबू, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं बताने में। 3 नंबर sec स्क्वायर का होता है 10x, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना इसका डायरेक्ट 10 और एंगल में जो है सब, और कुछ करना है, करना तो है ही, ये एंगल में देखिए 3 माइनस 4x है और x का कोफिशियंट माइनस 4 है, तो स्टूडेंट ये माइनस 4 से डिवाइड प्लस c हो जाएगा। हाँ है, इसमें भी प्लस c कर दीजिएगा, भूल गए थे, क्या बताएं कि sec का होता है, sec स्क्वायर का होता है 10, एंगल में देखते हैं x का कोफिशियंट माइनस 4 है तो माइनस 4 से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बड़ी मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिर बात आ गया कि इसको इंटीग्रेशन कोण नहीं करने देता है, तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जो इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट होने नहीं दे रहा है। कहने का मतलब समझे, इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं ना तो देखते हैं कि सिंपल फॉर्म में है कि नहीं, अगर वो सिंपल फॉर्म में है तो उसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना इस पूरे को इंटीग्रेट होने में डिस्टर्ब कर रहा है। जब डिस्टर्ब कर रहा है तो क्यों ना नीचे वाले टर्म को ही हटा दिया जाए जैसे कि ऊपर करते आ रहे हैं। तो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चेंजिंग करना होगा इनटू डीएक्स। अब कहोगे सर क्या लिख दिए, देखो हम सही लिखे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, जब इस दोनों ऊपर वाले टर्म का कैलकुलेशन करोगे तो फिर यही बन जाएगा। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसीलिए किए ताकि सही से सलामत से इसका इंटीग्रेशन हो सके, सही सलामत। बाबू इसको हम अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस है 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग हम लिख दिए इसको। यहां से ये देखते हैं पूरी तरह से कट गया, यहां नहीं कटने वाला है, ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का कहोगे सर इंटीग्रेशन इसका x हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, बट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या करोगे, तो सही बात है यहाँ आपके साथ थोड़ा नाइंसाफी हुआ है क्योंकि ये फार्मूला अभी मैं बताया नहीं हूं, क्योंकि ये इन्वर्स फार्मूला शायद है या कि बताएं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इन्वर्स फार्मूला है
और जब हम लोग टाइप नंबर 5 में स्टूडेंट जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग फिर फार्मूला पढ़ने वाले हैं, कुछ ट्राइगोनोमेट्री और कुछ इन्वर्स वाले, तब वहाँ पे फिर मज़ा आएगा कि कौन से फार्मूला से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ गया है तो उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो इसका होता है टेन इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा भी देता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन होता है 1 के प्लस पे सिर्फ a दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है, ये तो बस a के प्लस पे 1 रख दिया गया, लेकिन मेन जो फॉर्म होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाला ही, तो इसको लिखा जाता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे ए, यानी ये जो a है 1/a इंटू टेन इनवर्स, एंगल जो इसका x है तो यही x अपॉन ये a। आपको यहाँ क्यों नहीं दिया, अरे 1 से डिवाइड करो यहाँ पे तो बात तो बराबर ही है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स 1/x² + 1 को लिख सकते हैं टेन इनवर्स x, यानी इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 का हो जाएगा x माइनस 2 है 2 लिख देंगे, और बाबू 1/x² + 1 का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अब प्लस सी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ, ये फार्मूला है, ठीक है, आप कहोगे नहीं बताया सही में नहीं बताया, लेकिन इससे क्या दिक्कत है, मैंने बता तो दिया कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, बाद में करेंगे पीएचडी, टेंशन नहीं लो, नोट कर लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं, x² - 1 को हम सीधे लिख दिए x² + 1 - 2। कहोगे ऐसा क्यों किया आप, हम इसीलिए किए कि नीचे में x² + 1 जो है ना इसको हटाने के लिए, ताकि आसानी से इंटीग्रेशन हो सके। चलिए नोट करिए, अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लास्ट में सॉरी 5 नंबर, अभी तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बाबू आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है e^(log√x/x)(dx), इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के नाराज ना होना, क्योंकि बाबू बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा e^(log) का वैल्यू होता है 1, क्योंकि यहाँ भी बेस e छिपा हुआ है, अगर यहाँ e^(log√x) है तो इसका हो जाएगा √x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 होगा, तो स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा √x, और नीचे में जो x है उसको तो रखना ही है, अब यहाँ भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यानी x^2 और नीचे है x(dx), एक लाइन और इंटीग्रेशन, डिवाइड में पावर घट जाएगा बाबू, यहाँ पे है 1/2, नीचे 1 - 1 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन के बाद आएगा x^-1/2। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला, x^(n)(dx) का x^(n+1)/(n+1) वाला फॉर्मूला, यानी पावर में एक जोड़ दिया जाता है, जब माइनस हाफ में एक जोड़ गए तो प्लस हाफ हो जाएगा, यानी x^2 अब बाय उतने से डिवाइड प्लस सी, ये हो जाएगा 2√x + c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इधर मिटा दूं देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है dx/sin²x (cos²x), हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं कोई फॉर्मूला कि नीचे में sin²x (cos²x) हो तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, ऐसा पढ़े ही नहीं, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स जब हम लोग मेथड में इन करेंगे ना, बहुत सारा मेथड होता है,
तो उस मेथड में इन करेंगे तब वहां पे पावर इवन ऑड की बात होगा ना, तब वहां पे देखिएगा इंटीग्रेशन क्या कहता है। अभी तो थोड़ा थोड़ा इजी लग ही रहा होगा और उसको हम इजी बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले, कुछ लॉजिक, कुछ ऐसी बातें जो आपको माइंड को कहेगा कि हाँ ऐसा करेंगे तो इस तरह से ये कन्वर्ट होके इंटीग्रेट हो सकता है। यहाँ पे कोई मेथड अप्लाई करना नहीं है, यहाँ पे क्या यूज करना है, लॉजिक, कुछ ऐसा लॉजिक जो इसको इजी कर दे। क्योंकि ये जो नीचे में जो है ना, ये डिनोमिनेटर में, तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे। देखो बाबू, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कुछ है ही नहीं, बस इसे लिख दिया। अच्छा, इस 1 को साइन और कॉस के रूप में लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सब तो वही रहा लेकिन ऊपर बदल गया। अरे बाबू, आप लोग पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है प्लस 1, इसीलिए हम इस प्लस 1 के बदले में ये लिख दिया। आपको के प्लस 1 कहां से आया, अरे यहां पर नहीं है, यहां पे तो छिपा हुआ है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को नीचे वाले टर्म से अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने कुछ नहीं किया, बस डिवाइड किया। साइन स्क्वायर पूरी तरह से कट रहा है, कॉस स्क्वायर यहां से पूरी तरह कट रहा है, और आपको मजा भी आ रहा है जब कटता है कैलकुलेशन में क्या। अब नीचे बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस नीचे बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये नीचे कर क्या रहा है, कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाइए ना, कॉस स्क्वायर के जो है ऊपर लेके चल जाएंगे तो बाबू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और कॉस साइन को ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब कुछ ख्याल आ रहा है मन में क्या, अरे सेक स्क्वायर का तो 10x होता है और कोसेक स्क्वायर का तो -4x होता है, जो होता है उसको लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी, यही आपका रिक्वायर आंसर। देखिए तो कैसा लॉजिक काम किया, और इतना समझ जाइए हम इसको वीवीआई लिखने से चूकेंगे नहीं। आप कहोगे कि सर काहे लिखे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है, जाके देख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, आपको जब माइंड काम ना करे तो लॉजिक लगाने का प्रयास करिए। ये 1 लिख दीजिए, 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, बन जाएगा। तो कुछ दिन के बाद देखिए ना, हम कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे जो बुक में मिलेगा ही नहीं, जानबूझ को कुछ ऐसा देंगे, नहीं बनेगा तो फिर काट देंगे बीच में, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से कंप्लीट हो गया बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, साइन ऑफ पावर सी 6x कॉस ऑफ पावर 6x बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया जाए इसको, क्या करें इसको, साइन ऑफ पावर 6x अब प्लस कॉस ऑफ पावर 6x है, तो अगर हम इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ऊपर बचेगा 4, तो देखिए चेक कर लेते हैं, तो ऊपर बचेगा साइन का पावर 4x कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। नहीं, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, क्यू वाला है, देखिए तो ऐसा कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू, ए क्यू और प्लस बी क्यू, और नीचे जो है उसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
अब बाबू आपको मालूम होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए क्या होता है। और एक ये भी ध्यान रखिएगा ए प्लस बी का होल क्यू का भी फॉर्मूला क्या होता है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपको पता होगा कि हो ये फॉर्मूला तो जानते हैं लेकिन आप भूल जाओगे ठीक है। हम लोग भी भूल जाते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी उसके बाद होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और इसका तो अपना लिख लीजिएगा। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई थिंक मुझे यही लग रहा है ठीक है। ये वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अभी भी माथा का दर्द बना देगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना स्टूडेंट इंटीग्रेशन। अब नीचे अंदर स्क्वायर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये हमारा पूरा ए है और ये हमारा बी है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए इसको मिटाता हूं ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर पहले से है तो हो जाएगा साइन पर पावर फोर एक्स प्लस बी स्क्वायर होता है पहले से ए स्क्वायर है तो हो जाएगा कॉस पर पावर फोर एक्स और माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब क्या माइनस ए बी का मतलब होता है साइन इंटू कॉस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ लॉजिक लग रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू वन ये तो खत्म हो गया अपने आप तो बचेगा सब ये तो जैसा बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन पे पावर फोर एक्स कॉस पे पावर फोर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए यहां से क्या करने वाले हैं पहले यहाँ पे लाइन दे दिए फिर से मैं एक बार बताता हूँ क्या ये है यहाँ पे ठीक है क्योंकि समझना बहुत जरूरी है बेसिक ऐसे नहीं कि मैं सॉल्व करते जाओ और आप देखते जाओ क्या हो रहा है। हमारा है साइन पे पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस पे पावर सिक्स एक्स नीचे है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो नीचे वाले टर्म को हटाने के लिए हमने एक स्टेप उठाया वो स्टेप था ए क्यू और बी क्यू के रूप में लिखना। तो साइन पे पावर सिक्स एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यू क्योंकि सिक्स पुट जाएगा कॉस स्क्वायर का होल क्यू ये भी पुट जाएगा यानी है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमने लिखा था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो स्टूडेंट वही बात हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ए के स्थान पर है साइन स्क्वायर और बी के स्थान पर है कॉस स्क्वायर वही चीज हम फॉर्मूला पे ला के रख दिए। इसका वैल्यू वन होता है इसीलिए खत्म जो ऊपर में था यहाँ पे लिख दिए जो नीचे था नीचे लिख दिए। अब हम क्या करते हैं नीचे वाला जो टर्म ये है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इससे जितना भी ऊपर में टर्म है सबको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन साइन पे पावर फोर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट कॉस पे पावर फोर है ये हो जाएगा कॉस पे पावर फोर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को जब हम नीचे वाला से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा और कटने के बाद बचेगा वन इंटू डी एक्स। क्या किए पता है इसको इसको और इसको इससे डिवाइड किए इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना और माइनस इतना बाई इतना दोनों सेम है कट जाएगा बचेगा माइनस वन। अब देखिए क्या क्या होने वाला है इंटीग्रेशन साइन पे पावर फोर एक्स है साइन स्क्वायर से पूरी तरह कटेगा तो यहाँ पे दो बच जाएगा स्क्वायर के रूप में कॉस पावर फोर एक्स है ये कॉस स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पे दो बच जाएगा यानी ऊपर में बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स न। अब बाबू साइन वटा कॉस होता है टेन स्क्वायर में है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस।
अब कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स सोना नहीं, पढ़ते रहो ठीक है बाबू। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अच्छा आप लोग पढ़ते पढ़ते सो भी जाते हैं, नींद आता होगा क्या, सोना नहीं है पढ़ना है ठीक है। इस बार ऐसा नहीं सोचिएगा कि फिर प्रमोट कर देगा ठीक है, हमेशा दिवाली नहीं होता है, कभी कभी दिवाली में ठीक है, इसलिए इस बार प्रमोट नहीं होना है, इस बार एग्जाम होगा और अच्छे से होगा। स्टूडेंट्स अब टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है और कॉट स्क्वायर का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्यों ना इसे दूसरे रूप में चेंज कर दिया जाए। टेन को चेंज कर देंगे सेक में और कॉट को चेंज कर देंगे कोसेक में। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर प्लस का चिन्ह देंगे और कॉट स्क्वायर का हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस वन, ना कौन माइनस वन ये वाला, इंटू डी एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां से डायरेक्ट हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे ठीक है, यहां पहुंच जाएगा क्योंकि जगह नहीं था, यहां पहुंच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट करते जाता हूं, नेक्स्ट एक बार लिख लो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस थ्री सब जुट जाएगा डी एक्स। अब डायरेक्ट आंसर लिख दो ना, डी एक्स को सबके साथ अलग अलग लगा भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स और कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स माइनस थ्री, एक्स के रिस्पेक्ट हो रहा है इसलिए थ्री एक्स प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों समझ गए, आप नोट कर लीजिए, बस फॉर्मूला का कमाल था ए क्यू और बी क्यू का। चलिए नोट करिए, बहुत गर्मी है बाबू, फैन को बंद करके वीडियो बनाते हैं। मिटाएं क्या, जल्दी नोट करिए। ऑफलाइन क्लास में पता है क्या करते हैं बच्चे, सो जाते हैं, जिस तरह से भी रुक रहे हैं उसी तरह से आपको वेट करना पड़ता है। अब नोट उतारेंगे, अब उतारेंगे, अब मिटा ही देते हैं। मिटाने वाला सात नंबर कंप्लीट। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ तो बहुत मजेदार और सिंपल इंटरेस्टिंग सब चीज है। यहां लिखा है sec x into e पे पावर log sec x into dx, ये कहीं मिलेगा नहीं, अपना मन से दिए हैं बना के ठीक है, मिल भी सकता है ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन अपना मन से दिए, कहीं बुक से देखे नहीं थे इसीलिए बोल दिया। देखिए sec x into e पे पावर log sec x है, अब इसको करना क्या है, लिखेंगे sec x इंटू e पे पावर log का वैल्यू वन है तो बचेगा क्या sec, तो यहां हो जाएगा sec x इंटू डी एक्स, sec इंटू sec क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, यहां हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स और sec का क्या होता है tan x प्लस c, यही आंसर। क्योंकि इतना सिंपल सिंपल था, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा तब ना, e पे पावर log का वैल्यू वन होगा तो sec बच जाएगा, तो sec इंटू sec sec स्क्वायर हो गया था। तो स्टूडेंट्स उसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है नाइन नंबर, e पे पावर लॉग टेन इंटू टेन, तो e पे पावर लॉग का वैल्यू वन तो बचेगा टेन, तो टेन इंटू टेन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो उसको चेंज कर देंगे sec स्क्वायर में, तो टेन स्क्वायर को हम चेंज करेंगे sec स्क्वायर माइनस वन में। यानी मैं हम कह रहा हूं बाबू आपको कि e पे पावर लॉग टेन एक्स इंटू 10x into dx तो e पे पावर log का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, तो बचेगा 10 into 10 क्या हो जाएगा 10 square x into dx। अब 10 square का इंटीग्रेशन होता नहीं है डायरेक्ट, इसको लिखेंगे कन्वर्ट करके sec square x minus 1 into dx। अब इसका आंसर लिखिए ना, sec square का होगा 10x और 1 का होगा x, अपना लिख लो आंसर। 9 नंबर भी कंप्लीट। अब 10 नंबर देखिए स्टूडेंट, थोड़ा कैमरा घुमा के वहीं पे सॉल्व कर देंगे, हिंट देख, खिड़की भी आ गया, खिड़की थोड़ा इधर जाओ। अब देखो बाबू इसको हम लिख सकते हैं टेन नंबर को, रूट के अंदर ई पे पावर लॉग साइन स्क्वायर एक्स,
तो ई पे पावर लॉग का वैल्यू 1, तो बचने वाला क्या है साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट के अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और रूट में तो स्क्वायर रहने वाला है नहीं, वो बाहर आके बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। बस लॉजिक है, समझना है कि कैसा क्वेश्चन है तो उसको किस तरह से बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, तो टाइप नंबर 4 था, तो टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 में 10-10 क्वेश्चन है, इसका मतलब 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए ना। टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 4 तक में कुल मिला के हम 40 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप टाइप, आप जो हमारा होगा क्लास नंबर 15, उसमें कुछ फिर हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं, और फार्मूला पढ़ने के बाद फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मेथड पे जाने वाला हूँ नहीं, जब तक इंटीग्रेशन का हम सार नहीं सिखा दूँ, निचोड़ करके आप में इंटीग्रेशन भर ना दूँ, तब तक हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे जो रास्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया गया। आपका जो रास्ता है इंटीग्रेशन का, वो बहुत ही डिफिकल्ट बनाया गया, इतना इंक्लाइंड है कि उस पर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए हम एक ऐसा रास्ता आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि उस पर आप आसानी से चल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें उस रास्ता को बनाने दीजिए ताकि आपको चलने में दिक्कत ना हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।